हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक सब कुछ चैनल। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको रियलमी सी इलेवन लॉन्च के बारे में बताया था हमारी अपकमिंग वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर से देखें। और किसी ने इस फोन के लॉन्च से पहले ही फोन की अनबॉक्सिंग कर दी है टिकटॉक पर, तो सब मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस, रियलमी सी इलेवन का लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है। ये फोन जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये एक सस्ता फोन लॉन्च होगा। बट सबसे पहले ये फोन लॉन्च होगा 30 जून को मलेशिया में, जिसकी कंफर्म डेट सामने आ गई है, जिससे कि हमें इसकी सभी कंफर्म स्पेक्स भी पता चल जाएगी कि इस फोन में क्या फीचर आने वाले हैं और क्या नहीं। पर वहीं रियलमी ने इस बार इस फोन का डिजाइन काफी चेंज कर दिया है। स्क्वायर कैमरा हाउसिंग मिलती है बैक साइड में, जिसके अंदर डुअल कैमरा, एलईडी लाइट और रियलमी लिखा हुआ है। मुझे तो पर्सनली ये डिजाइन काफी अच्छा लगा है, बाकी आप लोगों को कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, इस फोन के लॉन्च से पहले ही कुछ जबरदस्त फैक्ट्स भी सामने आ गए हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये एक बजट कैटेगरी वाला फोन होने वाला है, जिसमें कि हेलियो G35 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा और इस प्रोसेसर के काफी कमाल के स्कोर बाहर आ रहे हैं। हेलियो G35 में 900 पॉइंट्स मिलते हैं इसके सिंगल कोर पर, और वहीं 4153 पॉइंट्स मिलते हैं इसके मल्टी स्कोर पर। ये सच में काफी बड़ी अचीवमेंट है। हेलियो G35 में ओक्टा कोर सीपीयू मिलता है, जिसमें कि A53 कोर्स लगे हुए हैं। तो अगर कंपेयर करें हेलियो G70 से, जिसको काफी सारे लोग गेमिंग करने के लिए यूज करते हैं, जो कि रियलमी C3 में हमें मिलता है, तो उसके हाफ से भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे देगा। और इसमें दो स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 2GB रैम के साथ में 32GB स्टोरेज और 3GB रैम के साथ में 64GB स्टोरेज मिल जाएगी। इसके अलावा इस फोन में दो कलर वेरिएंट हमें मिलेंगे, जो कि इमेज में पहले से लीक हो चुके हैं, ग्रीन और ब्लैक। और इसके फ्रंट में 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक नोच डिस्प्ले होने वाला है। इस पर हमें कोई भी पंच होल डिजाइन इसमें नहीं मिलेगा। अब बात करें इसके कैमरा की, तो इसके बैक साइड में 13 MP का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और एक शायद 2 MP का लेंस भी हो सकता है। तो जैसा कि इसको कंपनी अफोर्डेबल फोन के रूप में लॉन्च करेगी, तो इससे हम ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और वहीं इसके फ्रंट में 5 MP का कैमरा दिया जाएगा। अब बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो इस फोन में 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी विद 10W चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ में। अब इस फोन की कीमत की बात की जाए, तो ये फोन दो स्टोरेज वेरिएंट में जैसे कि लॉन्च होगा, जिसकी स्टार्टिंग वेरिएंट कीमत हो सकती है ₹7000। वैसे एक साल पहले हमें रेडमी 8, रियलमी C3 जैसे स्मार्टफोन 7000 की रेंज में मिलते थे, बट अब कंपनी इनकी प्राइस को बढ़ाकर उससे कम फीचर वाले फोन को लॉन्च कर रही है। वहीं इसके इंडिया लॉन्च की बात की जाए, तो ये फोन इंडिया में शायद एक नई सीरीज के साथ में लाया जा सकता है, या फिर नार्जो का कोई बजट फोन करके लॉन्च किया जाए। बाकी आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।